स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हम लोग गए, जीत के दावे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए। चलिए अब चलते हैं भाजपा के कार्यालय में, जहां पर देखते हैं अब कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। वहां पर भी नज़र आ रहे हैं मेरे को चुनाव के कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र गर्ग, मंडल अध्यक्ष पवन सैनी, राघव और अन्य कार्यकर्ता बैठे। उनसे ही बात करेंगे क्या किस प्रकार का दावा अब उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या विश्लेषण को मानते हैं, एग्जिट पोल को कैसे किस नज़र से वो देखते हैं, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी चर्चा चली हुई है। जय श्री राम जी सभी को। वीरेंद्र जी स्वागत है एक बार आपका, क्या कुछ कहेंगे, कैसा चुनावी माहौल देखा आपने और एग्जिट पोल जो आ रहा है इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन पश्चात आपका स्वागत है सतपाल जी। जी आपके चैनल का भी स्वागत और धन्यवाद। कल सारा दिन आप खबरें कवर करते रहे। जी जी जी। इलेक्शन के बाद बहुत उत्साहवर्धन वर्धक माहौल है जी, क्योंकि कार्यकर्ताओं से जैसे ही रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट आती है जी, तो सभी बूथों पे उत्साह बना रहा। बढ़ चढ़ कर कार्यकर्ता वहाँ जुटे रहे और उन्होंने पोलिंग कराने की कोशिश की। जी जी जी। और अब भी सुबह से दफ्तर में फोन आना और कार्यकर्ताओं को आना जारी है जी, जो ये बताता है कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं जी। तो आपने आंकलन कर लिया लोगों से बातचीत करके? हाँ, आंकलन हमारा मोटा मोटा हो चुका है, अब बारीक स्तर पर उसे करने लग रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी फार्म आ चुके हैं हमारे पास, कहाँ कितनी वोट पड़ी है जी, जी, और उसमें कितनी हमारी है, दूसरे कितनी हो सकती है जी, तो उसका आकलन जारी है। तो मोटा मोटा क्या कुछ निकल गया है आपके? मोटा मोटा आकलन तो यही आया कि भाजपा जो है सढ़ौरा से अपनी सीट जीत रही है। जीत रही है। और ऊपर प्रदेश स्तर पर क्या कुछ देखते? प्रदेश स्तर पर भी हम अपनी सरकार बनाएंगे जी। जी, तो तीसरी बार रिपीट करने जा रही है, एक बार फिर भाजपा सरकार जो है हरियाणा में बनेगी, तभी लोगों का विकास का कार्य होगा, ऊपर नीचे सरकार होगी, क्योंकि लोग भी कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने चुपचाप भी वोटिंग की है, कुछ सरकारी योजनाएं थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी वोटिंग की है। वीरेंद्र जी, नगर में हमेशा ही भाजपा को बढ़त में रही है, तो इस बार क्या लगता है इस चुनाव? हाँ, नगर में बहुत अच्छी बढ़त की ओर है। कल आपने अगर देखा हो तो सभी बूथों पर बहुत अच्छी खासी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं तक बैठी थी, तो ये बताता है कि भी उनमें उत्साह है, क्योंकि जब आदमी अपना चेहरा दिखाता है ना किसी बूथ पर, तो उसका मतलब है वो दूसरे को बताना चाहता है कि मैं भाजपा के साथ हूँ। हालांकि कल प्रशासन की वजह से बहुत अव्यवस्थाएँ रही हमारे पास, जो लगातार एक व्यवस्था बनी हुई थी 40-50 वर्षों से, उसे बिगाड़ दिया गया। शहर छोटा है और बूथ के बीच में है, और बूथों के चारों तरफ 50 मीटर में तो वार्ड ख़त्म हो जाता है, और धक्के दिए गए इसलिए कि भी आप 200 मीटर दूर चले जाएं, और वो 200 मीटर में तो हम गांव से बाहर निकल गए, ऐसी स्थिति होगी। अपील है आपके माध्यम से, प्रशासन कोशिश करे या तो इन बूथों को सड़क पर ही बना दे बाहर। मतदाताओं को भी दिक्कतें रही हैं, मतदाता वापस गए हैं जी, कुछ कर्मचारियों ने पर्ची होने के बावजूद उन्हें वापस भेजते रहे बार बार, हैंडीकैप पर्सन को वापस भेज दिया, ये नहीं आपके पास, ये नहीं आपके पास, जबकि उन्हें बिठा के कोशिश करनी चाहिए थी, उनकी आईडी मंगा लेते या उनकी पहचान करा लेते। किसी कर्मचारी को हमने टोका, जब हमने फिर बहस की, बहस करनी पड़ी, तो वो बोला जी मेरे से गलती होगी, चश्मा नहीं लाया था। तो चलो खैर, आंकलन जीत की तरफ है। हाँ बिल्कुल जी, भाजपा जीत की ओर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाजपा के महामंत्री के साथ ही हमारे साथ ये आज अच्छा एक अवसर मिल गया कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी, आप तो लगभग हर बूथ पे कल गए होंगे, सढ़ौरा मंडल में तो लगभग सभी बूथों पर आप गए, तो कैसा एक माहौल नजर आया आपका? स्टिक सर्वे क्या कहता है? हमारा तो यही है कि हम तीसरी बार आदरणीय नायब जी के सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, क्योंकि सब बूथों पे मेरा जाना हुआ जी, सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह में थे जी, और वो लगभग ये सभी ने तय किया हुआ था कि हमें हर हाल में चुनाव जीतना है। तो इस नाते हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से सढ़ौरा की जो विधानसभा सीट है उसको अच्छे एक मार्जिन से जीतेंगे। हरियाणा में जैसे टीवी पर सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, नहीं ये उसमें तो एक तरफा ही दिखा दिया गया सारा? नहीं नहीं, ये तो सारा भ्रम फैलाया जा रहा है जी, निश्चित रूप से यानी सर्वे फेल होने वाले हैं टीवी चैनल्स के। पहले भी कई बार हो चुका है ऐसे, अब की बार भी ऐसा ही होगा। ये सर्वे कोई निश्चित सर्वे नहीं है, लेकिन ये तय है कि निश्चित रूप से कि भाजपा सरकार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। चौधरी बलवंत सिंह जी निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने और विशेषकर हमारे बलवंत जी ने जो हलके में मेहनत की है, उसका निश्चित रूप से हमें अच्छा फल मिलेगा और हमें एक अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतेंगे जी। तो मतलब कैलकुलेशन ये है कि सीट तीसरी बार हरियाणा में सरकार बीजेपी की, और फिर मतलब एक्स से अब वर्तमान में एमएलए बलवंत सिंह बनेंगे। बिल्कुल, ये निश्चित है, हरियाणा में नायब जी के सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, और सढ़ौरा से भी हम लोग बलवंत सिंह जी निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से यहाँ से
जीतेंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। यानी 8 तारीख को फिर यहाँ पर नजारा ढोल ढाल बजेंगे, मतलब क्या तो कार्यकर्ताओं में अभी से जोश है, वो तो अभी से ये मान के चल रहे हैं कि हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत और उत्साह देखते ही बनता था। लेकिन फिर भी हम कल तक का 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से ये तो होगा ही कि ढोल धमाकों के साथ फूलों की वर्षा होगी, लड्डू बटेंगे, ये सारा का सारा इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, 8 तारीख को फिर मिलेंगे आपसे राघव जी। चलिए बहुत धन्यवाद। अब राघव जी तो जगाधरी विधानसभा के ऊपर भी संभालते रहे चुनाव प्रचार, वो तो खैर घूमे घूमे और अपने बूथ पर भी बैठे थे। तो राघव जी कैसा माहौल नजर आया? बोल सारा ही भगवा नजर आया। अच्छा जी, सभी जगह भाजपा जो आई नजर आई। जी जी, तो क्या कैलकुलेशन निकाली फिर आपने सलोरा विधानसभा सीट की? सलोरा विधानसभा सीट भी हम जीतने जा रहे हैं, और जैसे तो जिले की हम चारों सीटें जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में भाजपा सरकार भी बनने जा रही है। जगाधरी में भी आप घूमते फिरते नजर आए कई बार, तो क्या वहाँ पर क्या माहौल नजर आया? वहाँ पर भी भगवा ही नजर आया है जी। जी जी जी, पूरा माहौल नजर आया है भाजपा। तीसरी बार हरियाणा रिपीट कर रही है बीजेपी। हाँ जी हाँ जी, सब ये एग्जिट पोल आ रहे हैं ना सर, जैसे छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पहले कुछ थे और बाद में भाजपा की जीत हुई, ऐसे ही ये सब एग्जिट पोल सब उल्टे हो जाएंगे और भाजपा की जीत निश्चित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अब एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी हैं, नरेश बख्शी जी। बख्शी जी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। तो आपने भी बहुत तेज तरार प्रचार किया, जगह जगह आप गए, तो कैसा माहौल नजर आया? और मतगणना वाले दिन भी आप पूरे सक्रिय नजर आए थे, तो क्या कुछ कहना है आपका? शर्मा जी मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। तो हमारे यहाँ तो बलवंत सिंह जी नंबर वन है और नंबर वन रहेंगे। और हरियाणा में क्या कुछ लग रहा है आपको? हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी, बन रही है। जैसे अब टीवी पर एग्जिट पोल कह रहे हैं जी, हम तो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं सैनी जी बनेंगे। ये बात है, तो आप कैसे किस दावे के साथ, कितने मजबूती के साथ दावा, और क्या कारण है आप कह रहे हैं कि भाई तीसरी बार हरियाणा में सरकार और बलवंत सिंह जीत रहे हैं, ऐसा क्या कौन किसी एक सिंह जी ने काम किए हैं जी पहले भी? हमारे एरिया में 2 किलोमीटर के एरिया में 3 पुल बने हुए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है जी, बलवंत सिंह जी ने बनवाए हैं। तो बिना खर्चे बिना पर्ची भी चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल चल रहा है जी। अब गरीब लोग के बच्चे भी लग रहे हैं, उनको पता लग गया है यही सरकार हमारे बच्चों को नौकरी दे सकती है। यानी काम के बदले वोट मिलेगा बीजेपी को, बलवंत सिंह जीत रहे हैं। चलिए मिलते हैं 8 तारीख को फिर आपसे। जान मोहम्मद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कार्यालय में। जान मोहम्मद जी, क्या ऐसा रुख आपके समाज के मुस्लिम समुदाय का, क्या रुख रहा है बीजेपी के प्रति? बीजेपी की तरफ मुस्लिम समुदाय ने वोट डाली है, ठीक ठाक वोट डाली है गांव में, और बलवंत सिंह जी MLA बन रहे हैं यहाँ, तीसरी बार दोबारा MLA बन रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, बन रही ये है। जो सर्वे दिखा रहे हैं ये 15 दिन पहले सर्वे, जहाँ जब इनकी टिकट बनने से पहले के सर्वे, टिकट बनने से कांग्रेस में जब फूट पड़ी आपस में टिकट मिलने से, उसकी वजह से सारा माहौल घूम गया सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। आप देख लेना 38 सीटों से नीचे कांग्रेस आएगी और बीजेपी की 40 से ऊपर जाएंगी। यानी सरकार बना रही है, सरकार बना रही है, और अन्य की भी 5-7 सीट आएगी, वो किसी के हमें पता नहीं कौन कौन सी INDA है, किसकी आएगी, लेकिन हमारी दोबारा सरकार बनने जा रही है। क्लियर, बहुमत मिल जाएगा बीजेपी को? हाँ मिल जाएगा, बहुमत मिलेगा, बहुमत मिलके हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, नायब सिंह द्वारा मुख्यमंत्री बने। चलिए धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत हमारे गाँव में 750 वोट पोल होती थी कांग्रेस की जी, जो अब घट के 400 पे आ गई है। अच्छा अच्छा, डाउन में गई है। हाँ डाउन में गई। चलिए यहाँ पर दावा, जैसा कि आपने उम्मीद ही थी कि भाई पार्टी के समर्थक हैं तो पार्टी का दावा करेंगे, लेकिन दावा इस तरफ से बड़ी मजबूती से रखा गया है। मेन पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद मिले मेरे को और खुल के बातचीत उनके साथ हो रही है, उनका पूरा दावा है कि भाजपा जीत रही है, बलवंत सिंह द्वारे से विधायक बनेंगे और नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री हैं, यानी हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा, ऐसा दावा इनके द्वारा किया गया। चलिए 8 तारीख नज़दीक है, देखेंगे इनके दावा किस प्रकार से धरातल पर सही उतरता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति भाजपा के चुनावी कार्यालय से। धन्यवाद।